लेके वो उधर गए गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उनका समस्या है, उनका एक, एक एक मुद्दा था वो स्मॉल टाइम ट्रांसपोर्टर्स को ये जो है 3000 नोटिसेस मिला। अच्छा, ये नोटिसेस क्यों गए लोगों को? ये कि इनकम टैक्स से हमको कुछ डेटा मिलते हैं, वो डेटा में ये इनका टर्नओवर जो थोड़ा ज़्यादा दिखाए वो सर्विस टैक्स टर्नओवर में नहीं दिख पाए, तो इसके वजह से नोटिसेस गए। हमने ये उनको आश्वासन दिए कि ये जो नोटिसेस मोर देन वन ईयर ओल्ड, एक साल से पुराना है, उसको हम 31 मार्च ख़त्म करने वाले हैं। दूसरा, जो रिफंड्स, रिफंड क्या होते हैं, जो एक्सपोर्टर लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें इनपुट्स जो खरीदते हैं उसमें टैक्स भरना पड़ता है, जो टैक्स कंपोनेंट वो उनका क्रेडिट में लेके वो क्रेडिट वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। डोमेस्टिक परचेजेस के लिए, डोमेस्टिक क्लियरेंसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं है ना, तो जो टैक्स सफर्ड इनपुट्स का जो टैक्स एलिमेंट है उसको कैश में रिफंड मिलेगा। ये रिफंड अब तक लगभग 600 करोड़ रुपया दिए ये साल में, हमको मिला कितना, 1800 करोड़, उसमें हम लोग 600 रिफंड दे दिए आपको। ये बड़ी बात है, जीएसटी आने के बाद हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यू नो, इस लोगों को सुविधा के लिए क्या करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, जो रिफंड वो लोग फाइल कर रहा है, ये सुनने की बात है, 15 दिन में 90% रिफंड मिल जाएगा, कुछ सवाल भी नहीं पूछेंगे हम, 90%। बाकी आपको मालूम होगा पुराने जमाने में ये रिफंड्स के वजह से कितना परसेंटेज ये ऐसे चीज़ होते थे, अभी पूरा खत्म हो गया। जीएसटी का और एक बड़ी बात, सुविधा सरकार ने दी, आपको मालूम होगा, वन नेशन एक देश एक टैक्स एक मार्केट। ये क्या होता है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, आप देख लीजिए चेकपोस्ट है, इतना चेकपोस्ट में इतना गाड़ी लंबी, यू नो, क्यों होते थे, अभी देख लीजिए नो क्यू, इवन टोल गेट में हो सकता बट नाउ नो चेक पोस्ट। तो सरकार ने ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री का इतना यू नो भरोसा रखा, वो भरोसा ये जो टैक्स पेस, वो जितना भरोसा टैक्स पेस का ऊपर रखा वो दे हैव इंटेंट डिलीवर्ड। आपको पता होगा कि सेकेंड वेव से थर्ड वेव में हर महीने हमको 1 लाख करोड़ रुपया मिल रहा है जीएसटी, 1 लाख करोड़ रुपये ऊपर। अभी हमने 1,50,00,000 रुपया का टारगेट लगाया है, मुश्किल है बट प्रधानमंत्री जी ने हमको टारगेट दिए कि $5 trillion इकॉनमी, 500 लाख करोड़ इकॉनमी बनना है, और जो टैक्स में ये बेस है अभी हमारा 1,25,00,000 है, इसको 3 करोड़ टैक्स पेस करना है। अभी गांधीधाम में मैंने कच्छ में मैं अभी बताया लोगों को, हमारे पास 12,000 टैक्स पेस, इसको हम 15,000 बनना है। जैसे टैक्स पेस बढ़ते जाते हैं हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और जब टैक्स पे बेस बढ़ते रहते हैं टैक्स रेट भी कम हो जाएगा, ये 12%, ये 16-18%, एक दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा 5% ही टैक्स, ये सुविधा मिलने वाले हैं जब हमारा टैक्स पे ही बेस, जैसे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बोला 3 करोड़ तक लेके जाओ, अभी हमारा 1,25,00,000 है, सो कच्छ में हम अभी 12,000 है, उसको 15,000 करेंगे, नहीं अगले साल उसको 20,000 करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यही बात मैं अब मन, मेरा दिल की बात मैं आपसे बात करना चाहता, आप लोग आए कष्ट उठा के, बहुत बहुत धन्यवाद।